हेलो माय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साई क्लासेस में। आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th बालाजी पब्लिकेशन की बुक या अदर कोई भी बुक से आप मान सकते हैं इसको, गति के समीकरणों को ड्राइव करके दिखाऊंगा कलन विधि से। आज हम कलन विधि से ले रहे हैं, बाकी दूसरे मेथड से मैं बाद में आपको बताऊँगा, लेकिन कलन विधि से किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं ये मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए कैसे करते हैं कलन विधि द्वारा गति के शुद्ध गतिक समीकरणों की व्युत्पत्ति। तो इसके पहले नियम पहले को लेना होता है, तो हम यहाँ पर चलते हैं त्वरण से, त्वरण की परिभाषा से। पहला जो है वो आता है आपका त्वरण की परिभाषा से आता है, त्वरण की परिभाषा से। तो त्वरण की परिभाषा से जब लेंगे तो त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, ये होगा, इससे आपको करना होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ से क्या करेंगे आप, इसको करेंगे, इसको क्रॉस करा देंगे, इससे आप क्रॉस करोगे तो ये आ जाएगा ए डी टी इक्वल टू ये आपका हो जाएगा डी वी हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, समाकलन करेंगे आप, समाकलन करेंगे आप, समाकलन करने पर दोनों साइड में, तो जब समाकलन आप करोगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से होगा डी वी इक्वल टू ए डी टी, डी वी इक्वल टू ए डी टी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना होगा, हम यहाँ पर थोड़ा सा मानेंगे यदि टी बराबर जीरो पर वस्तु का वेग, टी बराबर जीरो अगर ले लिया तो वस्तु का वेग u, और यदि हम t समय बाद वस्तु का वेग जो है, वस्तु का वेग आप मान लीजिए कि स्मॉल v हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ से, अब आपकी जो लिमिट है वो क्या हो जाएगी, प्रारंभिक वेग हो गया, प्रारंभिक u टू वी ये आपका डी वी हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर a को बाहर कर लेंगे क्योंकि जो यहाँ पर दिया होता है उसी के सापेक्ष आप समाकलन कराते हो, तो यहाँ पर जीरो टू क्या दिया गया है, t टाइम दिया गया है, ये आपका dt हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको समाकलन करने का भी बताऊँगा, क्योंकि यहाँ पर बायो के स्टूडेंट भी फिजिक्स लेते हैं, मैथ वालों को समझ में आएगा, और वैसे भी जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है वो समाकलन नहीं समझ पाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। जब यहाँ पर डी वी होगी ना तो केवल आपका डी हट जाएगा यहाँ से समाकलन में, तो यहाँ पर वी आ जाएगा और ये आपकी लिमिट आपकी ऐसे लग जाएंगी, ये आपकी लोअर लिमिट है, ये आपकी अपर लिमिट है, और यहाँ पर आपका ए है और यहाँ पर भी डी टी है, तो यहाँ पर डी आपका हट जाएगा और यहाँ पर आपका हो जाएगा टी, तो यहाँ पर टी और ये जीरो इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से लिमिट इसकी कैसे हटाएंगे ये आपको देखना है, तो लिमिट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट को रखेंगे तो v की जगह पर v ही रखेंगे, और उसके बाद में लोअर लिमिट जब रखते हैं तो उसका माइनस का चिन्ह रखते हैं, अब v की जगह पर u रखेंगे, ये आपका u हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे a, अब यहाँ पर अपर लिमिट पहले रखेंगे t और उसके बाद लोअर लिमिट क्या है जीरो, तो वहाँ पर माइनस, क्योंकि लोअर लिमिट रखते हैं तो माइनस का चिन्ह लगा कर रखते हैं। अब यहाँ से आपका हो जाएगा v माइनस u इक्वल टू यहाँ पर ए टी हो जाएगा, और a को जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से आप इक्वेशन आपका निकल के आएगा v बराबर u cos थीटा कर देंगे u प्लस ए टी, ये आपका गति का पहला समीकरण शुद्ध गति। आइए देखते हैं गति के दूसरे समीकरण को कैसे ड्राइव करेंगे। अब इसको हमें वेग की परिभाषा से ड्राइव करना होगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, वेग की परिभाषा से आप करोगे तो v बराबर हो जाएगा dx बटे dt, क्योंकि ये होता है चाल वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अब इसको क्रॉस कराएंगे तो आपका ये हो जाएगा dx इक्वल टू वी डी टी। अब यहाँ पर बोथ साइड समाकलन का चिन्ह लगा देंगे आप, तो बोथ साइड समाकलन का चिन्ह आपने लगा दिया। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे कि यदि अगर t बराबर जीरो तो वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, वस्तु की स्थिति आपकी बनेगी x बराबर एक्स नाट। अगर t समय बाद
बाद की स्थिति आपकी x हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ये आपकी लिमिट हो जाएगी x नॉट x, ये आपका dx हो गया, इक्वल टू v को बाहर करेंगे यहाँ पर, और ये आपका हो जाएगा क्या, 0 t, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका dt। अब यहाँ से आप जो है इसका, इसको v को यहीं पर रखिए। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब v की जगह गति का जो समीकरण आया था हमारा v बराबर u प्लस ए टी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, गति का समीकरण लिख देंगे। तो ये आपका यहाँ पर आप लिख सकते हो 0 to t, और यहाँ पर हो जाएगा u प्लस ए टी और dt हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको एक बार u के साथ करेंगे dt के सापेक्ष, तो यहाँ पर ut हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ut हो जाएगा, ut हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इसको t को अलग कर देंगे यहाँ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 0 to t हो गया। अब इसका जब आप करोगे तो यहाँ पर t ऑलरेडी है, जब t रहेगा तो यहाँ पर इस प्रकार से कुछ ये होता है xn dx, तो ये कितना हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 अपान ये जो पावर होती है वो उसकी बेस में आ जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जब करेंगे तो यहाँ पर पावर 1 है, तो कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, t, और ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर उसी प्रकार से करेंगे तो ये x होगा, और यहाँ पर x नॉट हो जाएगा, और ये आपका x हो जाएगा। अब इसको जब करेंगे तो x माइनस x नॉट हो जाएगा, यहाँ पर जब आप करोगे तो u और t की जगह पर आप रखोगे तो कितना हो जाएगा, t की जगह पर t हो जाएगा, और वो आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पर जब आप वही कंडीशन करेंगे तो a अपान में 2 बाहर निकाल लीजिए, अब इसका t की जगह करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा, और वो माइनस का 0 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस x नॉट, और ये आपका हो जाएगा यू टी प्लस हाफ, और ये हो जाएगा ए टी स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा x माइनस x नॉट यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का आपका दूसरा समीकरण हो गया, गति का ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब हम त्वरण की परिभाषा से तीसरे समीकरण को निकालते हैं, त्वरण की परिभाषा से तीसरे समीकरण को निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर dv बटे dt, dv बटे dt, क्योंकि त्वरण बराबर होता है क्या, वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर ये dv बटे dt हो गया है, लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन आपको थोड़ी सी चेंज करनी होगी। यहाँ पर आपका जब ये आ गया है dv बटे dt, तो यहाँ पर क्या करेंगे, dx से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, dx से, तो dx से हमने गुणा करा दिया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब dv बटा यहाँ पर अब ये अलग अलग आ गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे dv बटा dt एक साथ कर देंगे, सॉरी dv बटा dx को एक साथ ना करके यहाँ पर देखिए dv बटा dx ही रखेंगे इसको, और यहाँ पर dx बटा dt यानी कि दूरी बटा समय, ये किसका होता है, चाल का होता है, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी कर देंगे, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी टी इक्वल टू वी डी वी हो जाएगा। अब इसका कर देंगे आप समाकलन, तो समाकलन कर दीजिए। जब समाकलन आप करोगे तो यहाँ पर भी सेम स्थिति वही आएगी, यदि टी बराबर जीरो कर दें तो वस्तु की स्थिति क्या हो जाएगी, एक्स बराबर एक्स नॉट हो जाएगी, एक्स बराबर एक्स नॉट हो जाएगी, और टी समय के बाद क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पर जब इसको अब इसकी लिमिट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा क्या लिमिट, एक्स नॉट, और ये एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर ए डी टी हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, वी को बाहर कर देंगे। अब यहाँ से जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डी वी है, यहाँ पर डी वी है, तो यहाँ पर आपकी लोअर लिमिट ये हो जाएगी यू, और ये आपका हो जाएगा वी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, डी वी लिखेंगे। अब यहाँ से आप समाकलन करोगे, ए को बाहर कर देंगे, अब यहाँ पर ए का समाकलन नहीं होगा क्योंकि डी टी है, तो टी के सापेक्ष अवकलन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टी, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, एक्स इंटू एक्स नॉट। यहाँ पर देख रहे हैं कहीं हम, सॉरी यहाँ पर एक्स है, ये यहाँ पर एक्स था, तो यहाँ पर एक्स ही करेंगे, एक्स होगा ये, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर एक्स था, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, v, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर करेंगे आप, इसका समाकलन हो जाएगा v, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर v है और ये u हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप करोगे x माइनस x नॉट, x माइनस x नॉट हो जाएगा,
और यहाँ पर आपका हो जाएगा v, और इसमें जब करेंगे अपर रखेंगे तो v हो जाएगा और लोअर रखेंगे तो यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पर v के सापेक्ष जब करेंगे ना तो आपका ये v स्क्वायर बाई टू होगा, क्या होगा v स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो v स्क्वायर बाई जब टू होगा तो यहाँ पर आप 1 बाई टू को बाहर ले सकते हो, यहाँ पर एक बार अपर लगाओगे तो v स्क्वायर हो जाएगा, एक बार लोअर लगाओगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये बाहर नहीं होगा ये अंदर ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसको जब आप करोगे तो ये आपका हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर इसको ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यहाँ पर आप इस प्रकार से कर सकते हैं वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर और टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा टू ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स नाट आपका हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर उस साइड जाएगा प्लस का टू ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स नाट, ये आपका गति का तृतीय समीकरण हो जाएगा अवकल समाकलन के माध्यम से, और अवकल के हिसाब से इसको हम लोग इस प्रकार से करेंगे। ये आपका था समाकलन के बेस पर, कलन के बेस पर गति के दोनों तीनों समीकरणों को निकालना। इस प्रकार से आपको वीडियो जो है प्रोवाइड होती रहेगी, और जो है 8 बजे जो है आपको लाइव क्लास भी मंडे से मैं स्टार्ट करूँगा।